आप सबसे मीडिया के बंधुओं से मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं आज अपने एक नेक दिल भाई हंसराज हंस जी जो राजनीति में जिनका प्रवेश नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए ऐसे समय में हुआ है जबकि पूरा देश नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करने के लिए स्वयं सड़क पे आ चुका है। हमारे यहाँ एक ही लाइन चल रही है, नरेंद्र मोदी जी 2014 में आस बन के आए थे और 2019 में विश्वास बन के आए हैं। ऐसे हमारे आस से विश्वास बने नरेंद्र मोदी जी को हम भी प्रत्याशी हैं और हमारे हंसराज हंस जी हम सब के नॉर्थ वेस्ट लोकसभा के प्रत्याशी हैं। आज मैं कार्यालय में भी आया, अभी मैं सभा में भी जाऊंगा और मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। हम लोगों की अपनी सर्वे भी लगातार चल रही है और भले ही दिल्ली की लोकसभाओं की लड़ाई त्रिकोणात्मक है लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें हम लोग जीत करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देने जा रहे हैं। और विपक्ष की हताशा कितनी है ये विपक्ष के नेताओं से भी अब आके सुनने को मिल रही है। अभी कल यहाँ के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का बयान आया अजय माकन जी का कि हमारा गठबंधन नहीं होने से हम 7 की 7 सीटें बीजेपी को जीतने से नहीं रोक सकते, ऐसा बयान छपा है उनका, हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है। तो जिन लोगों ने 15 साल तक दिल्ली की ऐसी दुर्दशा की है उनको ऐसी हताशा मिलनी ही चाहिए थी और जिनको 4.5 साल में दिल्ली को संवारने के लिए दिल्ली ने 70 में 67 सीट दिए उन लोगों की स्थिति ऐसी रही कि 70 में 67 सीट पाने वाला ऐसे रसातल में पहुंच गया दिल्ली को रसातल में पहुंचाते हुए कि उसको 0 सीट वाले के चरणों में जाकर के गिरना पड़ा। तो ये दिल्ली देख रही है, सभी लोग देख रहे हैं और अब इसमें कोई शंका नहीं रह गई है कि नॉर्थ वेस्ट लोकसभा से हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत और यहाँ की जनता के आशीर्वाद की बदौलत हमारे हंसराज हंस जी ऐतिहासिक मतों से पिछले बार जो जीत हुई है उससे पिछले बार की जीत हम लोगों की कितनी 1,10,000 की जीत थी और इस बार पक्का ये 2.5 लाख का मार्जिन होने जा रहा है। हम ऐसे पोजीशन में हैं और ये पोजीशन हमने अपने काम से बनाई है। हम इसके लिए जो अब तक नामदारों का कारनामा रहा है उसमें जो 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने अंतर किया है उसके आधार पे हम लोग कामदार बन करके आए हैं। हम चौकीदार हैं, छोटे छोटे चौकीदार हैं हम सब। हमारा बड़ा चौकीदार उससे देश के सारे लोग बेईमान परेशान हैं, इतना परेशान है कि उल जुलूल बयान दे रहे हैं, कोर्ट में फटकार लग रही है और तब जाके कोर्ट में कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, हम पता नहीं किस नशे में थे। तो दोस्तों मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के ऊपर ये बातें कह रहा हूं। ये देश स्तब्ध है ये सुन करके कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने लगे। आपको ये याद रहना चाहिए हंसराज हंस भाई साहब, ऐसे आप तो सब कुछ जानते हैं। जब इस दिल्ली में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगा तो कांग्रेस के अध्यक्ष, उस समय थे ना अध्यक्ष, पता नहीं थे या बनने वाले थे, मुझे बन ही गए थे, उपाध्यक्ष जो भी थे, आज वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो और अरविंद केजरीवाल जाके उनके सपोर्ट में बैठे थे और आज वो जिसने नारा लगाया देश विरोधी उसका प्रचार करने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि हैरानी की बात है कि अरविंद केजरीवाल की हिम्मत नहीं हो रही है अपने
प्रत्याशियों का प्रचार करने का, न तो किसी प्रत्याशी के नॉमिनेशन में आए अरविंद केजरीवाल, किसी में भी आ जाते। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं अपना काम छोड़ करके अलग अलग लोकसभाओं में मैं जा रहा हूं। हंसराज हंस जी के लिए आज अपने सारे कार्यकर्ताओं के बीच आया हूं, एक सभा भी करूंगा। ये क्या हो गया अरविंद केजरीवाल, पहले से हार मान करके जो ये परास्त हुए हैं, ये लोग जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जमीन जो इनकी गई है ये सिर्फ उनके करनी का देन है, और नरेंद्र मोदी जी का जो आज यश फैला है वो इनकी ईमानदारी, साफ नियत, गुड गवर्नेंस, और हम जितनी कोशिश कर रहे हैं घर घर में गैस और लोगों को टॉयलेट देना, लोगों को बैंकों से जोड़ना, किसानों को उनके खाते में पैसे देना, गांव 2.5 करोड़ घर बनाना, जितना हमने कोशिश की, मुद्रा लोन देना, उतनी कोशिश हमने की है कि हमारा देश सुरक्षित रहे। इस नाते हम आज नॉर्थ वेस्ट लोकसभा में आप सबके समक्ष हैं, और हम आपको फिर विश्वास दिलाते हैं कि नॉर्थ वेस्ट सहित हम दिल्ली की 7 की 7 सीटें बहुत मार्जिन से जीतेंगे, और हमारे कार्यकर्ता गण भी अपने, लेकिन इसको सोच के आपको रुकना नहीं है, आपको, क्योंकि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ना, तो हमें तो मार्जिन इतनी बढ़ानी है कि ये देश को जो विश्वास हुआ है वो मतदान में भी, मत पेटी में सब बंद हो। यही मैं शुभकामना करते हुए, वैसे तो मैं इनका फैन हूँ, बहुत बड़ा मुरीद हूँ। देखिए, बहुत लोग हैं दुनिया में कलाकार हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं। हमें खुशी है कि हम लोग अपनी सारी खुशियां अर्जित करने के बाद हम कहते हैं नहीं, अब हमें धक्के खाने हैं सड़क पे, अभी हमें जाना है देश के लोगों के लिए, हमें पसीना बहाना है, फुटबॉल की तरह धक्के खाना खा रहे हैं ना, भीड़ में जाते हैं। तो ये हम लोगों को बहुत आवश्यकता नहीं थी अपने लिए, लेकिन उसके बाद भी हंसराज हंस जी भी इस तरफ आए, इन्होंने एक्सेप्ट किया, और हम लोग पूरे, मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं से, सबसे, मनोज से, नील दमन जी से, हमारे मूलचंद जी सहित, मनीष चौधरी हैं, नीलम जी हैं, सब लोगों से मेरी प्रार्थना रहेगी, हमारे रविंदर वाल्मीकि, सब लोग, रविंदर जाटव जी, सब लोग से मेरी प्रार्थना होगी कि हम सभी लोग मिल करके, हाँ रविंदर इधर है, कि हम अपने हंसराज हंस जी को प्रचंड मतों से जिताकर, मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट लोकसभा जीत का 7 में सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड बना सकता है, ये भी मुझे सबसे बड़ी जीत लग रहा है, ये पक्का है जी। हाँ देखो, हमारे घर घर मोदी, सबके वोट आपके। मेरा यही भाव है आपसे, और कुछ भैया बोलेंगे तो बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष साहब, जो बहुत नफीस आर्टिस्ट हैं, अंदर से बहुत ही पाकीज़ा रूह हैं, हमेशा मुझे साथ रखते हैं, तो आज भी तशरीफ लाए, उनको मैं वेलकम कहता हूँ, सारे कार्यकर्ताओं का, अपने सारा, हमारी जो टीम है उसका। तो बाकी जो ये फरमा रहे हैं वो सच है, हमारी पार्टी को तालीम ही ये है कि वही बोलो जो सच है, ज़मीनी सच है, बाद में शर्मिंदा ना होना पड़े और इन ब्रैकेट ना लिखना पड़े, हम खेद है हमें। आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है ना कि ये ब्रैकेट में क्यों लिखा, खेद है, खुला करके लिखो कि मुझे अफसोस है और मैं माफ़ी मांगता हूँ। हाँ, पहला मुकाबला आप किससे देखते हैं, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से? देखिए जी, हमारा मुकाबला ना आम आदमी पार्टी से है ना कांग्रेस से, हमारा मुकाबला तो दिल्ली की दुर्दशा से है, वो हमारी चुनौती है। दिल्ली के लोगों को अभी भी घर घर पानी नहीं मिला है, नल नहीं मिला है उनके घर में,
इसलिए इस बार हमें संकल्प लेना पड़ा नरेंद्र मोदी जी को कि हम 2014 तक नल जल योजना एक एक घर में दे देंगे। ये हमारी चुनौती ये है, हमारी चुनौती उस नल में स्वच्छ पानी का आना है। पहले घर घर में नल हो, आप हमारा संकल्प पत्र आपने पढ़ा होगा, हमने नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं है। डाउट तो पड़ोसी देशों को भी नहीं है, अब कोई की कहते हैं उसको करते हैं। तो इसलिए हमारे देश में हमारे संकल्प पत्र में है कि हम नल जल योजना को घर घर ले जाएंगे और उसमें साफ पानी देंगे। ये 22 साल से बीजेपी दिल्ली के पॉलिटिकल सिनेरियो से बाहर है, या तो कांग्रेस रही है या तो आम आदमी पार्टी रही, और हमने 5 साल के अंतर में जो विश्वास पैदा किया है, NH-24 सड़क बनाई है, 1.5 लाख ट्रकों को दिल्ली से बाहर कर दिया, पेरिफेरल रोड बनाकर देने के कगार पे हैं, धौला कुआं का हमने फ्लाईओवर बना करके ट्रैफिक को कंट्रोल किया, स्काई वॉक बनाए हमने, ऐसी ऐसी चीजें जो अरविंद केजरीवाल के रहते हमारे नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। तो इसलिए हमारी चुनौती उस दुर्दशा को समाप्त करने में है जो दिल्ली देख रही है। पोल्यूशन की नंबर 1 सिटी बन गई दिल्ली। इसलिए हमारा चुनौती कोई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है, ये तो दिल्ली में टोटल दोनों मिला के 40% में सिमट जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी 60% के प्लस के लगभग वोटों के साथ हम लोग अपनी लड़ाई जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तिवारी जी, मोदी सरकार को 125 करोड़ भारतवासियों का आशीर्वाद प्राप्त है, फिर भी मोदी सरकार एनडीए के थ्रू चुनाव लड़ रही है। मोदी जी को वोट पड़ रहे पूरे भारत के अंदर, तो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ रही, क्यों एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है? क्या उसको डर है किसी बात का, इस बार सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्या कारण है? ये एनडीए हमने आज थोड़ी बनाई है, ये एनडीए तो हम जब हमारा जनसंघ बना था तब से हमने कई समर्थित विचारों के लोगों को साथ लेकर चले हैं, और इस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को एनडीए को हमने जो बना दिया उसका हम सम्मान कर रहे हैं। ऐसा हम कोई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और इसकी तरह थोड़ी है कि आज संकट में है तो मिला लो और जब थोड़ा मजबूत हुए तो सबको हटा दो, नहीं साहब। हमारी नियत है, हम जिसके साथ चल दिए हैं वो हमारा साथ आखिरी सांस तक बना रहेगा और हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे। तिवारी जी, दिल्ली में कुछ दिन पहले तक सीलिंग एक बहुत बड़ी मुद्दा थी और वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों उस पर राजनीति करते रहे, इस बार चुनाव हो रहे हैं, वो मुद्दा शायद गायब है, लेकिन क्या आप अगर चुनाव एनडीए सत्ता में आती है तो क्या आप सीलिंग पर कुछ विशेष करने वाले हैं दिल्ली के लिए? हम तो कर चुके हैं, हमने इस समय दिल्ली में 12 अमेंडमेंट किए हैं यूडी मिनिस्ट्री से, और ये जो सीलिंग है ये सीलिंग तो कांग्रेस और आपकी साजिश थी। आप सबको अच्छी तरह पता है ये सीलिंग 2018 में क्यों होनी शुरू हुई, 17 में, 16 में, 15 में, 14 में, 13 में, 12 में, 11 में, 10 में, 9 में क्यों नहीं हुआ? 2007 से मॉनिटरिंग कमेटी गठित थी, क्योंकि जब इनको लगा कि अब हमारे पास नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में घेरने का कोई साधन नहीं है, तो इन्होंने जिन लोगों ने 351 सड़कों को नोटिफाइड नहीं किया, ऐसी आम आदमी पार्टी, इसके पहले कांग्रेस, अजय माकन तब यूडी मिनिस्टर थे, ये सब लोगों को पता था कि हम लोगों ने दिल्ली को अनलॉफुल केसेस घेरे में रखा है, जहां जब चाहे हम किसी को दंडित कर सकते हैं। और जैसे ही इन्होंने शुरू किया, हम तो सीलिंग तोड़ करके भी हमने इसका विरोध किया, मेरे यहाँ बैठे सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने सड़क पे लड़ाई लड़ी सीलिंग का। अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल तो इलीगल तार जोड़ के आए थे ना दिल्ली में, मुख्यमंत्री बन गए, जो इलीगल तार जोड़ सकता है अगर उसको सीलिंग का दर्द होगा तो एक तो सीलिंग वो भी नहीं तोड़ पाता। इसका मतलब ये सीलिंग करा करके ये मजे ले रहे थे ये लोग,
तालियां बजा रहे थे पीछे से, हम लोगों ने उस सीलिंग का विरोध भी किया और लीगल बनाने के लिए 12 अमेंडमेंट कर दिए हैं, जिसमें वो ऑलमोस्ट अब कोर्ट से एक्सेप्ट भी हो गया है। और आप देखिएगा 23 मई के बाद इस दिल्ली को हम ऐसे लॉफुल बनाएंगे कि हर दिल्ली का वासी कहेगा कि नरेंद्र मोदी जी आपने दिल्ली को एक बहुत बड़े तलवार से बचा दिया। अकाल चैनल नू सब्सक्राइब करो, नवी वीडियोस दी नोटिफिकेशन दे ले बेल आइकन नू क्लिक करना ना भूलना। बोला।